हे गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी और अभी मैं हूँ अपनी मामी और मामा के घर। मैंने आप सबके साथ कई बार शेयर किया है कि मेरे घर में अभी एक बड़ा फंक्शन है, एक ओकेशन है। वो एक्चुअली मेरी दीदी रिलेटेड है, सो वो तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। लेकिन ये पूरा वीडियो देखते देखते आप सब शायद समझ ही जाएंगे कि वो क्या ओकेशन है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो मैं हर कोई चीज़ इसका कैप्चर करना चाहती हूँ। सो काफी ज्यादा मजा आएगा इस व्लॉग में। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं अभी व्लॉग कुछ Hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज वी हैव क्रॉस्ड 10K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। और ये आई थिंक आजकल जो यूट्यूब का कंपटीशन है उस कंपटीशन के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा कोई नंबर नहीं है, बट मेरे लिए, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा जो स्ट्रगल रहा है उसके लिए 10K सब्सक्राइबर्स आर अ लॉट, मेरे लिए तो बहुत ही है। एंड इनिशियली जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तो जनरली लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करते हैं, दे लाइक द वीडियोज एंड दे सपोर्ट। तो वो फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट मुझे नहीं था क्योंकि किसी को पता ही नहीं था, मैंने किसी को बताया भी नहीं था बिकॉज फॉर सम पर्सनल इश्यूज। सो उस टाइम जो इनिशियल बूस्ट होता है ना फैमिली एंड फ्रेंड्स से, वो बूस्ट मुझे नहीं मिला था। मैं टोटली अपने ऑडियंस को ट्रस्ट करती थी, अपने काम को मैंने ट्रस्ट किया एंड आई रियली स्टार्टेड वर्किंग हार्ड कि मेरा जो काम है उससे ऑडियंस मुझे पसंद करे, ना ही मेरे फैमिली फ्रेंड्स के सपोर्ट से वो बूस्ट मुझे मिले। मुझे अपने ऑडियंस पर ट्रस्ट था एंड आप सभी ने मुझे सपोर्ट किया है, आप सभी ने मुझे प्यार दिया है एंड उसी वजह से ही आज हम 10K सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर पाए हैं। एंड आई कैन नॉट थैंक इनफ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए एक अचीवमेंट है। सो जितने भी 10K सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जितने लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, आई जस्ट पर्सनली वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं भी किया है बट दे वॉच माई वीडियोज, फिर भी उनको थैंक यू मेरे वीडियोज देखने के लिए। आप सबको पता नहीं होगा, जस्ट एक लाइक बटन दबाने से या फिर एक सब्सक्राइब बटन दबाने से ही कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसी के लाइफ में, किसी के चेहरे पे एक बड़ा सा स्माइल आता है किसी के चेहरे पे। सो आई एम सो मच ओवरवेल्म्ड एंड प्लीज आप इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहना, सपोर्ट करते रहना, लाइक करते रहना मेरे वीडियोज को और शेयर भी करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करती हूँ एंड आई होप कि मेरा जो काम है उसके जरिए मैं आप सबका दिल जीत पाऊँ आगे भी। सो आज 10K सब्सक्राइबर्स हुआ है एंड आई एम गेटिंग सो मच इमोशनल। मैं सोच रही थी कि मैं घर के जो मम्मी पापा दीदी है हम चारों मिलकर कहीं पर लंच के लिए जाए, मैं उन लोगों को लंच पे लेना लेकर जाना चाहती हूँ। बट लेट्स सी, घर पे काम है, एक फंक्शन है, अपकमिंग एक फंक्शन है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा घर पे सभी बिजी है, बट स्टिल फैमिली कम्स फर्स्ट। तो मैं सोच रही हूँ सभी को मैं कन्विंस करूँ बाहर जाके लंच करने के लिए, लेट्स सी कितना हो पाता है। अभी तो फिलहाल मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, मैं फ्रेश भी हो चुकी हूँ, फिलहाल मैंने स्किन केयर कुछ भी नहीं किया है, मैंने जस्ट अपने फेस को वॉश किया है अच्छे से, तो मैं पहले स्किन केयर कंप्लीट कर लेती हूँ। सो नाउ आई विल बी यूजिंग दिस डे क्रेम, ये है लोटस बोटानिकल्स विटामिन सी स्किन ब्राइटनिंग डे क्रेम। ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। यू ऑल नो दैट माई स्किन टाइप इज सुपर ड्राई, तो मुझे हमेशा कुछ मॉइस्चराइजिंग या हाइड्रेटिंग चाहिए, लेकिन मैं बहुत स्वेट भी करती हूँ, सो हाईली मॉइस्चराइजिंग क्रेम्स इस्तेमाल करने से स्वेटिंग ज्यादा हो जाता है मुझे, तो मुझे कुछ ऑयली जैसा कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये मैं करेंटली इस्तेमाल कर रही हूँ एंड आई एम क्वाइट लाइकिंग दिस क्योंकि इसका फॉर्मूला ऑयली नहीं है, येट हेविली मॉइस्चराइज करता है एंड यू ऑल कैन सी मैंने इसे काफी इस्तेमाल भी कर लिया है ऑलरेडी। ये
बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए बट इट डज द जॉब परफेक्टली. इसका फास्ट अब्सॉर्बिंग लाइट वेट जेल लाइफ फॉर्मूला मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एंड इसमें SPF 25 का प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा विच इज ग्रेट. स्किन को हाइड्रेट करता है और रेगुलर यूज करने से ये स्किन से जो पिगमेंटेशन है, जो ब्लेमिशेस है, उसे फेड करता है एंड ब्राइटन करता है स्किन को. इट कंटेन्स नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट लाइक एंटेरोमोर्फा कंप्रेसा एक्सट्रैक्ट, ककाडू प्लम फ्रूट एक्सट्रैक्ट, ऑसिमम सैंक्टम लीफ एक्सट्रैक्ट. सो दिस इज रियली गुड. एंड जो बेस्ट पार्ट है दैट इज इट इज पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री, क्रुएल्टी फ्री, 100% वीगन, रिसाइक्लेबल एंड एंटी पोल्यूशन. ये pH balanced भी है एंड 50 grams का प्राइस है 595 रुपीज. सो अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है. सो अभी मैं फटाक से चेंज कर लेती हूँ क्योंकि मुझे एक शूट करना है. उसके बाद उस शूट को खत्म करके देखते हैं, आई एम प्लानिंग टू गो ऑन अ लंच डेट विद माई फैमिली. सो लेट्स सी कितना हो पाता है ये. जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं ना वो जगह काफ़ी खूबसूरत है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़े से फोटो सेशन करेंगे आफ्टर ऑर्डर. फोटो सेशन चल रही है हमारी एंड लुक एट द प्लेस. इसका जो एम्बियंस है वो काफ़ी अच्छा है एंड ये जो जगह है ना वो भी काफ़ी अच्छा लगा. सो वी आर वेटिंग फॉर आवर ऑर्डर और काफ़ी खाली खाली सा है. अभी लंच का टाइम है सो एक दो जन ही है, दैट्स व्हाई मैंने मास्क ओपन किया है अभी. एंड सो वी आर एंजॉयिंग. मम्मी पापा अभी तक नहीं आए, वो लोग आ रहे हैं. सो गाइस खाना पीना तो हो चुकी है और कैसे लगा? बहुत तो फूड वो अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था सब कुछ और बहुत मतलब तेल मसाला बहुत कम था तो ठीक ही था. सो अभी खाना पीना हो गया है. सो डिज़र्ट में हम लोग सोच रहे हैं, यहाँ पर एक आइसक्रीम पार्लर है बास्किन रॉबिन्स, तो वहाँ का ब्राउनी वाला आइसक्रीम ट्राई करेंगे. सो या 10 के सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन अच्छे से ही हो रहा है, यही मैं चाहती थी कि इस तरह से हम लोग सभी एक साथ सेलिब्रेट करें. सो और आइसक्रीम मैं कब से खाना चाहती थी, वो वाला आइसक्रीम. सो वो अभी लेट्स सी वो अभी मिलता है कि नहीं. एंड जहाँ का एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे. Try to find the light from the sun. Wake up under water.
गाइज यू नो वॉट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सरप्राइज देने वाले हैं सभी. आई डोंट नो वॉट इज द सरप्राइज, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ छुपाया जा रहा है मेरे से, जो कि हमारे घर में ही है कुछ चीज़ें. सो आई थिंक इट्स समथिंग रिलेटेड टू यूट्यूब. आई डोंट नो, मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, लेकिन ऐसा मुझे तो फील हो रहा है कि कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं मेरे घर में. सो लेट मी सी क्या सरप्राइज है. एक्चुअली আগে আমার ইউটিউব সাবস্ক্রাইবার্সদের জন্য, তারপরে আমার দিদির জন্য. কোথায় গেল তুই? सुबह उठ के तैयार होके हम लोग आ चुके हैं अपने मामा और मामी के घर. और काफी सो आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या पहना है. मैं आप लोगों को डिटेल में ओ टी डी लुक का जो एक क्लिप है वो दिखा दूंगी, लेकिन दीदी ने आज क्या पहना है क्योंकि उसका स्पेशल डे है, तो उसने क्या पहना है वो भी मैं दिखाऊंगी. सो वो पहले आप लोग देख लीजिए. कैसा लग रहा है ऐसे सज धज के? बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशल फील. सो गाइज आप लोग ना नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी दीदी को मतलब वो आज कैसी लग रही है, वो जरूर बताना. सो अब देखिए ये क्या कर रही है अभी. अभी भी फोन पे घुसी हुई है. हमेशा नाटक. लुक एट हर साड़ी, आई लव द साड़ी, इट लुक सो ब्यूटिफुल. ये है ढाकाई जामदानी, ये बंगाली एकदम ऑथेंटिक ट्रेडिशनल ढाकाई जामदानी है. एंड इट बांग्लादेशी साड़ी है ना ढाका. ये एक्चुअली बांग्लादेशी साड़ी है, बांग्लादेश का है ये, जो ढाका है वहाँ का कैपिटल, तो वहाँ पर ये बनाया जाता है. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रेडिशनल ढाकाई जामदानी साड़ी एंड इट लुक्स सो गॉर्जियस. और इसके ऊपर ना एक स्पेशली सेल्फ वर्क है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना. तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना. एक्चुअली अभी मुझे मम्मी का बैलेंस रिचार्ज कराना है, अभी करती हूँ ठीक है, बैलेंस रिचार्ज कराना है. लेकिन इतना टायर्ड फील हो रहा है ना, मैंने भी खा लिया ना दीदी के साथ, तो बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग खाना था. और ओवर ईटिंग हो गई है सो बहुत अभी टायर्ड फील हो रहा है. एंड अभी बज रहे हैं अराउंड 4:35 बज गए, अभी लंच ख़त्म हो गया. हाँ सो दीदी भी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है एंड मुझे तो अभी इस सुबह से उठने का भी मन नहीं कर रहा, इतना ज़्यादा खा पी के पेट भर गया है. बट फर्स्ट टाइम मेरा तो एक्सपीरियंस था, दीदी का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन दीदी की वजह से मेरा भी एक छोटा मोटा सा एक्सपीरियंस हो गया है. सो अभी मैं जल्दी से मम्मी का रिचार्ज कर लेती हूँ क्योंकि वो बहुत दिनों से बोल रहे हैं, 2 दिन हो गए हैं उनका रिचार्ज ख़त्म हुए, अभी कर लेती हूँ. इतना खा लिया, मेरा तो पेट फूल गया.
और खाना कैसा था? बहुत टेस्टी था, इसलिए ज़्यादा खा ले। तो खाना पीना हो गया, बहुत सारे गप्पे मारे हम लोगों ने, अभी 7 बज चुके हैं, तो अभी टाटा बाय बाय बोलने का टाइम है। और कैसा लगा सब कुछ? तो सबसे अच्छा कौन सा लगा, कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी मामी के हाथ में? सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी। और ये रही दीदी। हाय। दीदी को कुछ कहना है? बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए। और गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। और मामी अच्छा मामी आपके खावाने ऐसे बार-बार। थैंक यू मामी आमा क्यों खावाने जुड़नु। गाइस दिवाली व्लॉग में हम लोग मामी के घर ही आए थे, इनविटेशन था हम सब लोगों का, और मैंने व्लॉग भी दिया था, लेकिन उस टाइम मामी नहीं आ पाई थी व्लॉग में। आप लोगों ने पूछा भी था कि आपने मामी को नहीं दिखाया, तो ये है मेरी मामी। क्यों सी मामी? तो आज का जो पूरा सब कुछ ऑर्गेनाइज मामी ने किया था मुझे बहुत अच्छा लगा, और सिर्फ दीदी के लिए ही नहीं मामी ने मुझे भी इनवाइट किया, वो तो सबसे अच्छा लगा मुझे। तो थैंक यू मामी। थैंक यू। सो गाइस ब्लॉग देख के तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि माय सिस्टर शी इज गेटिंग मैरिड, और उसकी शादी है अभी कुछ ही दिनों में, और इसीलिए जो बंगाली का एक ट्रेडिशन है दैट इज आई बुड़ो भात, तो आज मामा के घर वो आई बुड़ो भात के लिए वो उन लोगों ने इनवाइट किया था। तो मैं तो फ्री हूँ दीदी के साथ, इसीलिए मैं आ गई खुद ही, मैंने खुद ही इन्विटेशन ले लिया है और मैं खुद ही आ गई, क्योंकि मामा का घर है ऑब्वियसली, तो इसमें क्या शर्म है। और आज मामी ने सब कुछ प्रिपरेशन की है और मेरी दीदी ने मिलकर, और काफ़ी ज़्यादा आई होप आप सब ने इन्जॉय किया है इस व्लॉग को। और फ्यूचर में ना बहुत सारे इस तरीके के वेडिंग रिलेटेड इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, सो आई थिंक आप सब काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और फ्यूचर में जो एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं रिलेटेड टू माई सिस्टर्स ग्रैंड वेडिंग, तो उसे देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बाय।